हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। इस वीडियो में हम होममेड एयर ड्राई क्ले को कलर करना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्ले कलरिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स बता देती हूँ। अगर हम अपने क्ले में व्हाइट कलर ऐड नहीं करेंगे तो क्ले सूखने के बाद ट्रांसलूशेंट हो जाएगा। आप अपने क्ले में व्हाइट कलर क्ले को बनाते वक्त या क्ले के बन जाने के बाद कंडीशन करते वक्त ऐड कर सकते हैं। क्ले में कोई भी लाइट कलर ऐड करने के पहले उसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर या व्हाइट टेम्परा कलर ऐड कर लें, अदरवाइज क्ले सूखने के बाद थोड़ा ट्रांसलूसेंट होगा। कलर्ड क्ले अनकलर्ड क्ले के कंपैरिजन में जल्दी सूखता है, सो मैं सजेस्ट करूंगी कि क्ले में कलर करने के बाद उसे जितना जल्दी हो सके यूज कर लें। क्ले का कलर सूखने के बाद थोड़ा डार्क हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई कैमरे में क्यों नहीं आया है, बट ट्रस्ट मी, सूखने के बाद क्ले का कलर डार्क हो जाता है। तो जब भी आप क्ले में कलर ऐड करें थोड़ा कम क्वांटिटी में ऐड करें। क्ले में कलर ऐड करने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स और नीट करें ताकि कलर क्ले में अच्छे तरीके से इवनली मिक्स हो जाए। फर्स्ट मेथड में मैंने क्ले में ब्लू लिक्विड फूड कलर मिलाया है। आप लिक्विड जेल या पाउडर, किसी भी तरह के फूड कलर या इडेबल पेटल डस्ट का यूज करके क्ले को कलर कर सकते हैं। क्ले में कलर डालने के बाद क्ले को अच्छी तरह से नीड और मिक्स करें ताकि कलर अच्छी तरह से और एक समान रूप से मिल जाए। शुरुआत में क्ले हमारे हाथों पर चिपकेगा, पर एक बार क्ले को नीड करने के बाद हाथ साफ करके दोबारा क्ले को नीड करने से क्ले हमारे हाथों पर नहीं चिपकेगा। हम वाटर कलर केक या ट्यूब का यूज करके भी क्ले को कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्ले में स्कारलेट ब्लैक वाटर कलर मिलाया है। मैंने यहाँ क्ले में हल्दी मिलाया है। हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके भी क्ले को कलर कर सकते हैं, जैसे येलो के लिए हल्दी, सूरजमुखी या गेंदे की पंखुड़ियों का, ब्लैक या ग्रे के लिए चारकोल पाउडर, ब्राउन के लिए कॉफी पाउडर या धूल, व्हाइट के लिए अरारोट पाउडर, चॉक पाउडर या टेल्कम पाउडर, पर्पल या वॉयलेट के लिए ब्लूबेरी या काले अंगूर, रेड के लिए बीटरूट और ग्रीन के लिए पालक, पुदीना या हरी घास का यूज कर सकते हैं। हम फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर के यूज से भी क्ले को कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने पर्पल कलर के फैब्रिक कलर का यूज किया है। याद रखें, हर बार क्ले में कलर पिगमेंट ऐड करने के बाद हमें क्ले को अच्छे तरीके से नीट करना है ताकि क्ले में कलर यूनिफॉर्मली मिल जाए। हम घर पर रखे मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे आई शेडो, ब्लश या माइका पाउडर के यूज से भी क्ले को कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक्सपायर्ड आई शेडो का यूज किया है। हम क्ले को कलर करने के लिए सॉफ्ट पेस्टल कलर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिंक सॉफ्ट पेस्टल का यूज किया है। हम पोस्टर कलर या टेम्परा कलर के यूज से भी क्ले को कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्ले में प्राइमरी रेड पोस्टर कलर ऐड किया है। क्ले को कलर करने के लिए वाटर बेस्ड या एल्कोहल बेस्ड इंक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्ले में ग्रीन वाटर बेस्ड इंक ऐड किया है। हम क्ले में ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं पिंक कलर का ग्लिटर डस्ट ऐड कर रही हूँ। ग्लिटर ऐड करने से क्ले में कोई कलर तो नहीं चढ़ता, पर क्ले ग्लिटरी यानी चमकीला जरूर हो जाता है। हम क्ले को कलर करने के लिए ऑयल पेंट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्ले में कोबाल्ट ब्लू ऑयल पेंट ऐड किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। हम स्केच पेन का यूज करके भी क्ले को कलर कर सकते हैं।
यहाँ मैंने डीप ब्लू स्केच पेन के इंक का यूज़ करके क्ले को कलर किया है। याद रखें, जब भी आप क्ले में कोई भी कलर पिगमेंट ऐड करें, उसे अच्छे तरीके से नीड और मिक्स करें। अब मैं आपको एक ही कलर के यूज़ से हम डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कैसे तैयार कर सकते हैं ये बताऊँगी, डेट मीन्स कलर ग्रेडिएशन के बारे में बताऊँगी। यहाँ मैंने क्ले के 3 सेम साइज के गोले लिए हैं। पहले गोले में मैंने 2 स्कूप ऑकर येलो ऑयल पेंट ऐड किया है, दूसरे में 4 स्कूप्स और तीसरे में 6 स्कूप्स। जब हम क्ले में डिफरेंट अमाउंट में सेम कलर ऐड करते हैं तो हमें उसी कलर के डिफरेंट शेड्स मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट्स मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ हमें ऑकर येलो कलर के 3 डिफरेंट शेड्स मिले हैं।